हे गाइस, मैं आरएस करवार आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिनका जन्म 8 अक्टूबर 1935 में हुआ था। इनका जन्म 8 अक्टूबर 1935 में हुआ था। उड़ीसा के कटक जिले में ना राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा था। वहाँ पे इस व्यक्ति ने, इस महान व्यक्ति ने ना 200 मीटर की दौड़ 21.47 सेकंड में पार की। 21.47 सेकंड में पार की, यही नहीं 400 मीटर की दौड़ 41.97 सेकंड में पार की। ऐसे महान व्यक्ति का आप नाम सुनना चाहेंगे या फिर कमेंट में लिखिए जरूर। अभी कमेंट में लिखिए भी इस व्यक्ति का नाम सुनाता हूँ। जब आप नाम सुनेंगे ना, डेफिनेट बताने वाला हूँ कि आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। महान व्यक्ति भारतीय नौसेना में जाना चाहता था। आपको पता है ना, उसे कड़ी मेहनत के साथ एक बार ट्राई किया, लेकिन क्या हुआ पता है आपको? रिजेक्ट कर दिया गया। उसने बहुत डबल मेहनत की और फिर से ट्राई किया, पता है आपको क्या हुआ उसका? फिर से रिजेक्ट कर दिया गया उसको। लेकिन तीसरी बार उसने बहुत दम लगाया, ट्रेनों के साथ दौड़ा करता था और बहुत मेहनत के साथ फिर ट्राई किया, लेकिन पता है आपको क्या हाल हुआ? फिर भी रिजेक्ट कर दिया गया उसको। लेकिन हिम्मत नहीं हारी बंदे ने, फिर एक बार बहुत तगड़ी मेहनत करने के बाद फिर आया और फिर उसने ट्राई किया। और पता है आपको क्या, अब की बार रिजेक्ट नहीं हुआ, अब की बार वो सेलेक्ट हुआ था। क्या हुआ था? सेलेक्ट। अब नाम सुनना चाहते हैं, फिर से कमेंट करना आपको। उसका नाम था ना मिल्खा सिंह। जब भी नाम सुनते हैं ना, इसका रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अपने उस गोयल की तरफ बढ़ते हैं सभी लोग इसके नाम को सुनने के बाद। मेरा कहने का मतलब यही है कि अपने गोयल को पहचानिए। व्हाट इज योर गोयल? रोम ओलंपिक में ना नंबर 1 पर चल रहे थे दौड़ में, लेकिन उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो बहुत खिलाड़ी पीछे थे। फिर एक बार तेज दौड़ रहे थे, फिर पीछे मुड़ के देखा तो फिर पीछे थे। पता चला कि उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, कहने का मतलब थोड़ा लूज हो गए और थोड़ा सा अपने आप में स्लो किया। लेकिन वो खिलाड़ी पीछे दौड़ रहे थे ना, बड़ी तेज़ी से आ रहे थे और मिल्खा सिंह को पीछे कर दिया। पता चला ओवरऑल जब रिजल्ट आया तो पता चला कि अमेरिकी खिलाड़ी जो दो थे वो उनसे आगे निकल गए। एक दक्षिण अफ्रीका के थे वो भी आगे निकल गए। अब ये हुआ कि नंबर 1 पोजीशन पाने वाले अमेरिकी खिलाड़ी ओटिस डेविस 44.7 सेकंड में उन्होंने क्लियर किया था, नंबर 1 पोजीशन पर आए थे। नंबर 2 पर अमेरिकी खिलाड़ी कॉफमैन, उन्होंने 44.8 सेकंड में उन्होंने ये रेस लगाई जो कि दूसरे नंबर पर आए। और तीसरे नंबर पर आपको पता है कौन आया था? आपको दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी स्पेंस, कुछ शशि करके नाम था, मेन स्पेंस नाम था उनका, वो तीसरे नंबर पाए। और जो मिल्खा सिंह थे ना, उन्होंने कांस्य मेडल का भी मौका कमा दिया था। मतलब क्या था? मेरा बताने का मतलब यही है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। जब भी आपको भी मेहनत करना है ना, बड़े दम से करना है। अब्दुल खालिक जब भी दौड़ा करता था नंबर 1 पोजीशन पर आता था, जब भी दौड़ा करता था 1 पोजीशन पर आता था। लेकिन जब हमारे मिल्खा सिंह पाकिस्तान में दौड़ने के लिए गए, पता चला कि पोजीशन 1 नहीं थी, पोजीशन 2 थी, फर्स्ट नंबर मिल्खा सिंह थे। वहाँ के राष्ट्रपति अयूब खान ने जब उनको मेडल देते हुए कहा, मिल्खा सिंह आप दौड़ते नहीं हैं, आप तो उड़ते हैं, आप तो उड़ते हैं, और उड़ते हुए कहा ना, तब से उनका नाम फ्लाइंग सिख रखा गया, उड़ता सिख। इस तरीके से दौड़ते थे कि मानो हवाओं के सिरे को चीरते हुए जा रहे हो। हे गाइस, मेरा कहने का मतलब है कि उसने चुनौती को स्वीकार किया, राइट? चुनौती को जो स्वीकार करेगा ना, डेफिनेटली उसकी जीत होने वाली है। और मैं भी यही कहना चाहता हूँ, आप भी चुनौती को स्वीकार करो, ऐसी कोई चुनौती लो जिससे कि आपके जीवन में सफलता आए। वह व्यक्ति जिसने चुनौतियों को संभारा वो कभी नहीं हारा, कम ऑन। वह व्यक्ति जिसने चुनौतियों को संभारा वो कभी नहीं हारा। चुनौतियों को चुनौती देता है, डेफिनेटली कभी नहीं हारता। मैं भी जानना चाहता हूँ आपकी चुनौती क्या है, आपका गोल क्या है, जरूर कमेंट में लिखें और मुझे बताएं। आज ही लिखें, अभी लिखें कि आपका गोल क्या है, आप किसको चुनौती देना चाहते हो। मिल्खा सिंह भाग रहे होते, थक जाते, बैठ जाते, रुक जाते, उनके दोस्त बोलते अरे अब यहाँ पर हैं, आपको पता है क्या होगा, दूध मिलेगा। लेकिन नहीं, मिल्खा सिंह बोलते नहीं भाई, अब बस की बात नहीं है, क्योंकि इससे आगे मेरे से दौड़ा नहीं जाएगा। उनके दिमाग में वही बात फिर कहा उसने कि बड़ा ग्लास मिलेगा दोस्त दूध का, तभी उनको जुनून आता है। और बस फिर मत पूछो, मानो कि हवाओं से बात कर रहे हो, इतनी तेज़ दौड़ लगाते दूध का नाम लेते हुए, और वो दूध का ग्लास लेना था ना। बात ये नहीं कि मिल्खा सिंह तेज़ दौड़ते थे, बात ये नहीं कि मिल्खा सिंह बहुत तेज़ दौड़ने वालों में से एक थे, बात ये थी कि उनके दूध के ग्लास का एक गोल था उनके पास। तो मैं भी ये चाहता हूँ आपका भी कोई गोल होना चाहिए, राइट? आपको पता है मिल्खा सिंह के नाम पर ना एक भाग मिल्खा भाग मूवी आई थी। 10 बार लगेगी थिएटर में, 10 बार देखने जाना है, डेफिनेटली सबको जाना है, क्योंकि उसमें एक एम है ना, एम को पता करना है। मिल्खा सिंह भागते हुए रूम में आते हैं, कमरे में आते हैं, देखते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा कोट, उनको देख करके बड़े मन में ख्याल आता है। कोट को पहन लिया साहब ने और शीशे में देखा,
अपने आप को देखा, निहारा, बोल जय हिंद, अपने आप को सलूट मारते हुए कहा, हाँ मिल्खा सिंह कोट तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मन आ गया उस कोट पर, लेकिन पता चला कोच आए, बोले कि कोट ये आपने कैसे पहना, ये वीर राणा जैसे रेसर्स को हराना पड़ेगा इस कोट के लिए, क्या तेरे में हिम्मत है? जवाब बहुत अच्छा आता है। मिल्खा सिंह थोड़ी देर सोचता है और बोलता है, हाँ मेरे में वो हिम्मत है कि मैं उसको हराऊंगा और इस कोट को चाहिए, क्योंकि मुझे कोट पसंद है। बात उस कोट की नहीं है, बात उसकी है कि आपका कौन सा कोट है, आपका कौन सा एक वो एम है, आपका कौन सा गोल है जो दुनिया को हराना चाहते हो और आप जीतना चाहते हो। लाइक मत करना बेशक, लेकिन सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना, ताकि और लोगों को पता चले कि तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा गोल क्या है।